ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। जल जा। मम्मी आपको पता है मेरे ना बोर्ड एग्जाम से परसों से। बोर्ड के एग्जाम है? पढ़ लिया कर ना खेल में लागे रहे। क्या बताऊं तेरे, समझ में नहीं आती तेरे। अरे मम्मी मार क्यों रही हो, तो बोर्ड एग्जाम ही तो है। हाँ हाँ बोर्ड एग्जाम है। तू मैं तो मतलब बेरा तू क्या कह है लूंगी, पूरा साल हो गया मैंने कहते कहते। पढ़ ले ना, पबजी खेलती रह तू बस। नहीं बोल रही फेल होने की, आपने मेरी बात सुनी कहा, उससे पहले हाथ साफ करने लग गई। मैं तो कह रही थी कि बोर्ड एग्जाम से तो मुझे दफ्ती पेन पेंसिल कटर इरेजर ये सब लेकर आना है। तो फिर लिया ना, फिर इसमें पूछने की क्या बात है। हाँ तो जाऊंगी ना लेने के लिए, पर अकेले थोड़ी ना जाऊंगी, आपको साथ चलना पड़ेगा। ठीक है एक बच्चा बना दू फिर चल दू तेरी गल, तू तैयार हो ले। हाँ हाँ जा रही हूँ, बस मारने की जल्दी रहती है, पता नहीं क्यों मारती रहती है मुझे। मम्मी वो वाली शॉप से लेते हैं हम सारा सामान, इनकी दुकान पे ना सारा सामान मिलता है एकदम बढ़िया बढ़िया। बेटा कान खोल कर सुन ले, 2 रुपए महंगी दवा दूंगी तो ना सारी चीज, पर है ना फेल मत हो जाइए, अन्ना कम नंबर आने चाहिए तेरे। आप तो पीछे ही पड़ गई हो, फेल ना हो जाए, कम नंबर नहीं आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, धन्ना देकर बैठ गई हो आपकी। आपको पता है कि मैं फेल होंगी? पता है जैसा सोचते हैं ना वैसा होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगी तो मैं पास होंगी, अगर आप नेगेटिव सोचोगी तो मैं फेल होंगी, इसलिए पॉजिटिव सोचो। लक्ष्य मन्ना देवा मन बेरा है, तू मेरी औलाद है, किसी यार किसी ना है, चल। हाँ चलो सही है यार, इतना सारा सामान लेने। मम्मी आप एक काम करो, आप यही रुको, जो जो मुझे बोर्ड एग्जाम्स के लिए चाहिए ना मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। छोटी सी डायरी भी ले लेती हूँ चीटिंग करने के लिए। बस इतना सामान तो इनफ है मेरे बोर्ड एग्जाम के लिए, और अगर मम्मी को कम लगेगा ना तो और उठा लूंगी। मेरे कौन से पैसे जा रहे हैं, मम्मी पापा के पैसों पे ऐश कर रही हूँ मैं तो वैसे भी। ये लो मम्मी, ये मम्मी वो सारे सामान है जो मेरे बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं सब ले आई। ये लो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मम्मी इन सब का हिसाब लगवा दो, ये सारे सामान ना मेरे काम के है, और देखो मैं बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे तो जाऊंगी नहीं, तो मैंने हेयर बैंड भी ले लिया। ठीक है बस यही सामान है? हाँ बस बहुत है। इतना सा है? आप बोलती हो तो मैं और ले आती हूँ। और ये ना, ये खिलौने का क्या काम करा ले रही है, इतने सारे देख के ठाकर ला रही है, ये पकड़। अरे देख तुखर चीटिंग पैड ले रही है, कौन है जरूरत यो सामान बतेरा। अरे मम्मी बस आपने तो 3 ही सामान दिलाए हैं। ये बतेरे हैं और इनमें एक बढ़िया नंबर लेकर आने हैं। दिला रही 3 चीजें और उम्मीद कर रही हूँ कि मैं टॉप कर दूँ, ऐसे नहीं करने वाली मैं टॉप, बता रही हूँ मैं। उड़े ना यो और देख यो क्या करेगी, दर्देश ने चल सब ले लो मेरा सामान, ये भी नहीं चाहिए, ये भी आप ही ले आना, जा रही हूँ मैं तो। बताओ जी आप इनके पैसे बताओ।
ऐ पकड़ बुक्स। एदा टाइम नहीं, हुण एदा टाइम है। अरे मम्मी, अभी तो फोन चलाना स्टार्ट किया था, बस अभी पढ़ने ही वाली थी। दिख रहे है किन्नी पढ़ाई हो रही सी। शर्मा जी दे मुंडे नु देख, तेरी क्लास टॉपर है गए हो। हाँ, उसी तो देखती रहती, तभी तो पढ़नी पारी। की मैं बोल रही थी, शर्मा अंकल के लड़के को देखती हूँ मैं पढ़ते हुए, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अब डेली पढ़ूंगी, दिन रात पढ़ूंगी। ठीक है। हाँ मैनू पता है तेरा जड़े तू पढ़ेंगे। आज तो ऐ फोन तेरा मेरे को रहेगा, एदा नहीं पास होने वाली तू बोर्ड एग्जाम च। अरे मम्मी, इसमें फोन छीनने वाली कौन सी बात है, मैं फोन से ही तो पढ़ती हूँ, फोन तो मुझे चाहिए बस। फोन ना पढ़ाई होती है, मैनू पता जेडी तेरे फोन ना पढ़ाई होती है, तेरी उम्र तो ना मैं निकल चुकी हूँ, फोन तो कोई पढ़ाई नहीं होती, चुपचाप आके पढ़ ला। अरे मम्मी मम्मी, अबे यार, अबे यार, सुबह से थक गई हूँ पढ़ पढ़ के, कुछ खा पी लूं पहले। तौरक मैं तो कहूँ उल्टा चश्मा। एक काम करती हूँ, पहले थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ, वैसे भी मम्मी का ही दिखाई नहीं दे रही, फिर पढ़ूंगी आराम से। अब देखूंगी तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये जेठालाल कितना पागल है। तुझे बोला था ना पढ़ ले बैठ के। अरे मम्मी, सुबह से तो पढ़ रही थी, सुबह फोन छीन के ले गई थी आप, उसके बाद पढ़े जा रही थी, अभी जा रही थी तो सोचा थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ, तारक मेहता को। तेरे ना बोर्ड एग्जाम्स आने वाले ने, चुपचाप पढ़ ले बैठ के, नहीं तो फेल हो जाएंगी। अरे मम्मी, नहीं आ रहे अभी एग्जाम्स, अभी एक महीना पढ़ा है, एक महीने में तो मैं टॉप कर दूंगी टॉप, थोड़ा सा देखने दो ना। एक महीना ना तेरा ऐसे ही निकल जाना, कुछ नहीं होने वाला तेरा एक महीने च। जा रही है ये चप्पल निकालू। अरे मम्मी जा रही हूँ, जब देखो धमकी देती रहती हूँ, चप्पल निकालूंगी, बजा दूंगी, ये कर दूंगी, जा तो नहीं हूँ। पता नहीं क्या लगा के बैठ जाती है, अनुपमा देखती हूँ। सही है, अब थोड़ी सी देर बाहर जाऊंगी, फिर खेलूंगी, आराम से मजे आएंगे। ओ एक सेकंड, कित्थे चली मैडम? अरे मम्मी, चोटी चोड़ो, दर्द हो रहा है। कित्थे चले? बाहर जा रही थी, वो अंजलि से ना नोट्स लेने थे, तो अंजलि के पास जा रही थी नोट्स लेने के लिए। तेरे नोट्स दे बढ़ावा मैं टांग, आज तो बाद तेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद। अरे मम्मी, बाहर जाना कैसे बंद कर सकती हो आप मेरा? बोलता ना, आज तो बाद तेरा बाहर निकलना बिल्कुल बंद, इधर ही पास होने वाली तू बोर्ड एग्जाम च, मैनू दिख गए तेरे टांग, आ गई है समझ या नहीं आ गई? हाँ, आ गई मुझे समझ, ये समझ आ गया कि मुझे आज से मेरा फोन बंद, टीवी बंद, खाना बंद, पीना बंद, हगना बंद, सोना बंद, सब कुछ बंद, जा रही हूँ मैं। अच्छा मम्मी, मैं पूछ रही थी, तारक मेहता के उल्टे चश्मे का एक एपिसोड देख लूँ? तेरी बनाऊंगा मैं तारक मेहता। ओए, कहाँ जा रही है तू? कहाँ क्या, पार्लर जा रही हूँ मेकअप करवाने। अबे यार, मेकअप कराने के लिए पार्लर जाने की क्या जरूरत है, मैं भी शादी में जाऊंगी, मैं भी घर में ही मेकअप करूंगी। अरे मेरे भाई की शादी है ना, तो घर पे क्यों करूंगी, पार्लर करवा के आऊंगी मेकअप। अरे घर में ही ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस मेकअप कर सकते हैं हम। अच्छा वो कैसे? आ जा, तेरे को दिखाती हूँ एक कमाल का मेकअप बेस। देख, मेकअप में ना मेन रोल बेस का होता है, दैट्स व्हाई आई यूज मामाअर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन, जिसमें है विटामिन सी और टर्मरिक की गुडनेस। ये काफी लाइट वेट भी है, क्लिनिकली एंड डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड भी है एवरीडे यूज के लिए। पर यार ये मेकअप है, स्किन को हार्म करेगा ना? नहीं रे, मामाअर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड, नेचुरल और केमिकल एंड टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इनके प्रोडक्ट इजीली अमेज़न, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल, mamaearth.in और mamaearth ऐप से बाय कर सकती है। और हाँ, अगर तू मेरा प्रोमो कोड रिंकी 2024 यूज करेगी तो 20% ऑफ मिलेगा mamaearth.in और mamaearth ऐप पर। mamaearth ऐप पर यूजर्स को अर्ली सेल्स काउंट का एक्सेस मिलता है। कमाल है यार।
चल लगा के दिखाती हूँ तेरे को। ग्लो सीरम फाउंडेशन को अप्लाई करना है। ये स्किन के साथ मर्ज होकर इवन कवरेज प्रोवाइड करता है एंड टू ए इंस्टेंट ग्लोइंग बना रहा है एंड 12 आवर्स तक फेस पर रहता है। और तू इसे डेली यूज कर सकती है। एवरी डे एवरी नेचुरल ग्लो। ये 9 यूनिक शेड्स में अवेलेबल है ऑल इंडियन स्किन टोन के लिए। यार ये प्रोडक्ट तो मैं भी यूज करूंगी। हाँ तो करना, यहाँ बैठी क्या है, केले तेरी शेड और जाके मेकअप कर। तो बच्चे अभी तक तुमने जो पढ़ा 7th क्लास में, 6th क्लास में, 9th क्लास में, कुछ नहीं था वो था 0 अंडा। अभी जो 10th स्टैंडर्ड में तुम लोग पढ़ोगे वो होगा मेन पॉइंट, मेन फोकस। ये है बोर्ड एग्जाम्स का टाइम। अगर इसमें नहीं पढ़े तो तुम कुछ नहीं पढ़े, तुम एकदम बेकार बच्चे, समझे? तो नया चैप्टर निकालो और इसकी 5th एक्सरसाइज की 1st क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20, इफ वाई इक्वल टू 0 देन एक्स की वैल्यू क्या होगी? मोनिका बताओ एक्स की वैल्यू क्या है तुम्हारे लिए? एक्स की वैल्यू? मैम उसने कभी मेरी वैल्यू नहीं की तो मैं उसकी वैल्यू क्यों करूं? मेरे सामने उसकी वैल्यू 0 है, 0। वो क्या बोलने जा रही है? क्या बोलती है समझ नहीं आता? अबे बेवकूफ, मैम इस वाले एक्स की बात कर रहे हैं, बुक वाले की। ओ मैम उसकी वैल्यू भी 3 आई है। गुड, 3, ओके। मान तुम हमको बताओ एक्स की वैल्यू की आती? मैम मेरे एक्स की वैल्यू 20 आई है। 20? मेरी तो 3 आई है। हाँ गुड। रिंकी तुम बताओ तुम्हारी एक्स की वैल्यू की आती? मेरे एक्स की वैल्यू 20। मैम मेरे एक्स की वैल्यू पे ना 20 आई है। 20 आती? दिखाओ हमें कैसे आती 20। मैम क्यों नहीं आ सकती मेरी 20? जब क्लास के टॉपर की वैल्यू 20 आ सकती है तो मेरी एक्स की वैल्यू भी 20 आ सकती है। 20 आई है मैम। हमें कॉपी चेक कराओ, अभी कॉपी चेक कराओ। नोटबुक चेक करने की क्या जरूरत है मैम? जाना हमें अभी की अभी कॉपी दिखाओ अपनी। हमने बोला कॉपी दिखाओ हमें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम वो बच्चों से ये पूछने आया था कि 10th के बाद तुम कौन सी स्ट्रीम लेना पसंद करोगे। पूछो पूछो। मोनिका बेटा तुम बताओ। सर मैं तो मैथ्स में बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं हूँ तो मैंने सोच लिया है मैं आर्ट्स लूंगी। श्योर, ठीक है। मान तुम बताओ। सर मैं तो मैथ्स में ही अच्छी हूँ तो मैं मैथ्स ही लूंगी। गुड बेटा। अच्छा रिंकी बेटा तुम बताओ। मैं सर, अबे यार मैं क्या लूंगी? बताओ ना, सोच क्या रहे हो? अरे बेटा बताओ सर पूछने क्या लोगे। हाँ हाँ सर बता रही हूँ। अरे बेटा सोचना क्या, जिस चीज में तुम अच्छे हो वो लेना। एग्जैक्टली सर, मैं यही सोच रही थी जिसमें मैं इंटेलिजेंट हूँ ना मैं वही करूँगी 11th क्लास में। मैं तो बॉयफ्रेंड बनाने में एकदम परफेक्ट हूँ, मैं बॉयफ्रेंड ही बनाऊंगी 11th क्लास में। ठीक है मैं चलता हूँ। ओके सर बाय। सारे के सारे नालायक हैं। चलो बताओ 2+2 इक्वल टू क्या आएगा? रिंकी बताओ। 2+2 इक्वल टू 5। मैम 5 आंसर। 5? 5 कहाँ से आ गया? मैम एक 4 5 से 20 तो 5 आंसर है। फाइव फोर से 20? ये कौन सा हिसाब है? एक से एक नालायक बच्चे फंसे हुए हैं, मुझे भी समझ नहीं आता है। पढ़ लो सारा होमवर्क करके लाना, अब हम जाते हैं। सुन मोनिका, रिंकी एक काम करते हैं, हम ना एग्जाम के लिए टाइम टेबल बना लेते हैं ताकि हम लोग ना एग्जाम में अच्छे से स्टडी कर सकें। हाँ तू बिल्कुल सही बोल रही है, तू हमें पढ़ा भी देगी अच्छे से और वैसे भी बोर्ड एग्जाम्स के ना बस एक ही महीना बाकी है, तो एक काम करती हूँ ना मैं टाइम टेबल बना देती हूँ, सही है? हाँ सही बोल रही है। ब्रेकफास्ट, स्टडी टाइम, लंच टाइम, स्टडी टाइम,
और डिनर टाइम। ये देखो हमें सुबह उठना है, फिर हमें स्टडी करनी है, फिर ब्रेकफास्ट करना है 30 मिनट के लिए, फिर स्टडी करनी है, फिर हमारा लंच होगा, फिर हमारी स्टडी होगी और फिर हमारा डिनर होगा। ब्रेकफास्ट 30 मिनट में हम 3 क्वेश्चन कर लेंगे। चल ठीक है, ये ले स्टडी टाइम। अब सही है? हाँ अब सही है। अबे लंच भी काट, लंच स्कूल में हो तो जाता है, घर में लंच करके क्या करेगी? हाँ यार तेरी बात में भी पॉइंट है, एक काम करती हूँ लंच भी काट देती हूँ। लंच कट, स्टडी टाइम 15 मिनट। अब सही है ना? डिनर भी काट दे, डिनर के टाइम पे हम एक बुक पढ़ सकते हैं। और डिनर भी काटना है, ये ले, इसका मतलब हमें दिन रात बस पढ़ते ही रहना है। हाँ तो सही तो है। सही है, चलो तो एक काम करना, आज स्कूल के बाद ना तुम दोनों मेरे घर आ जाना, ग्रुप स्टडी करेंगे मस्त। ठीक है ठीक है। हे भगवान, इतनी ठंड हो गई है, इतनी ठंड में पढ़ने का भी मन नहीं करता, लेकिन टाइम टेबल बनाया ना तो पूरा भी करना है। चल शुरू हो जा। हाय रिंकी। हाय मोनिका। मोनिका कहाँ है, वो नहीं आई तेरे साथ? यार तेरे को पता तो है वो बातें बनाने में नंबर वन है, कह रही थी मैं कल से स्टार्ट करूंगी। अबे स्कूल में तो बहुत उठ रही थी, कह रही थी लंच काट, डिनर काट, ब्रेकफास्ट काट, सब में पढ़ेंगे पूरा कोर्स करेंगे। अब क्या हो गया उसको? छोड़ना यार, हम पढ़ते हैं। चल हाँ हाँ, तू और मैं तो जरूर करेंगे टाइम टेबल पूरा, आ जा। इंग्लिश का कर लेते सबसे पहले, तू मेरे को ये वाला चैप्टर पढ़ा दे। द पोएट इज एट हिज बेस्ट इन द एज देयर वंडरफुल बिटवीन एंड। अबे रिंकी तेरे को एक बात बताऊं, एक नई मूवी का ट्रेलर आया, चल तेरे को दिखाती हूँ। ओ भाई यार ये साउथ की मूवी मस्त होती है, कैसे मर रहा है, मस्त लग रहा है। अभी ये छोड़, मेरे को याद आ गया, एक सेकेंड फोन दिखा। तू ये देख कार्तिक आर्यन की नई पोस्ट। यार ये कितना हैंडसम लग रहा है। वही तो, मेरा तो क्रश बन गया यार ये। इसकी मूवी देखे? चल चल देखते हैं, टीवी में देख लेते हैं। बन गया कुत्ता मैं तो, बन गया कुत्ता, कुत्ता मैं तो बन गया। कितनी मस्त मूवी थी ना, मजा आ गया। चल ना रिंकी अब पढ़ लेते हैं, बहुत देर हो गई। हाँ यार अब सीरियस होके ना पढ़ाई करेंगे। यार मैं क्या सोच रही थी, कल करें, कल से स्टार्ट कर लेंगे टाइम टेबल, आज वैसे भी मन नहीं कर रहा है ना। रिंकी तू पागल वागल है क्या, तुझे भी उस मोनिका की तरह अनपढ़ बनना है? अबे नहीं यार कल से ही करेंगे। आए छोरी के करो तुम? नमस्ते आंटी। नमस्ते हो रही है, पहले नु बताओ कर क्या रही हो तुम? हाँ मम्मी ये ना मेरी क्लास की लड़की है जो कि टॉपर है, ये मुझे पढ़ाने के लिए आई थी तो पढ़ रहे थे, ये देखो बुक। चल ठीक है पढ़ लो, थोड़े खाना लेकर आऊं हूं। ठीक है मम्मी। अबे यार छोड़ ना, कल से स्टार्ट करेंगे उसके साथ, मैं नहीं कर रही अब, मैं नहीं पढ़ रही। चल चल ठीक है यार, मैं भी घर चलती हूँ फिर, मुझे भी नींद आ रही है। ठीक है जा बाय। एक काम कर लेती हूँ, तब तक ना मैं कार्टून देख लेती हूँ, फिर नींद आ जाएगी सो जाऊंगी। सुनो सुनो सुनो, बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, जिसने नहीं देखी वो एक बार देख ले। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, एक बार देख ले। ओ डेट शीट हो गई। चल रिंकी जल्दी से चेक कर ले, सबसे पहला पेपर ना फिजिक्स का होना चाहिए। डेट शीट आ गई, एक बार जाके चेक कर लेती हूँ। यार डेट शीट आ चुकी है, एक बार देखने चली जाती हूँ। अबे
यार शिट, पहला एग्जाम ही मैथ का हो गया, अब क्या करेंगे? अच्छा हुआ पहला एग्जाम मैथ्स का है, मैथ्स में तो मुझे सब कुछ आता है। इसको ना चुप करा ले कोई, इतना खुश कौन होता है जब पहला पेपर मैथ्स का होता है, कुछ ज्यादा ही इतरा के दिखा रही है ये। अबे यार छोड़ना इसको, ये देख सेकंड एग्जाम कौन सा है। केमिस्ट्री, शिट यार केमिस्ट्री का सेकंड एग्जाम रख दिया ना, बीच में कोई छुट्टी है, मैंने तो कोई केमिकल क्लास भी नहीं ली थी, मुझे तो एक भी केमिकल फॉर्मूला भी नहीं आता, कैसे करूंगी यार मैं। यार मैं तो आज तक लैब में ही नहीं घुसी केमिस्ट्री की, मैं कैसे केमिकल बनाऊंगी? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कैसे बनेंगे केमिकल्स। अगर पहले केमिकल मिक्स कर लिया होता तो आज दिमाग का केमिकल ना हो रहा होता। इसका केमिकल तो मैं बना दूंगी, मैं बता रही हूँ, ज्यादा इतरा रही है। रिंकी ये देख लास्ट सब्जेक्ट कौन सा है। ये देख कितनी घटिया डेट शीट बनाई है, जो मुझे आता है ना फिजिक्स वो सबसे लास्ट में रखा है, इतनी घटिया डेट शीट बनाई है ना, सच बता रही हूँ मेरा ना दिमाग खराब हो गया है। अच्छा हुआ लास्ट एग्जाम फिजिक्स का है, उस फिजिक्स में मुझे कुछ भी नहीं आता। यार अगर ये चुप नहीं हुई ना तो मैं ना अपनी फिजिकल एजुकेशन दिखा दूंगी, इसका मार मार के कचुंबर बना दूंगी, मैं बता रही हूँ मुझे रोक ले तू। छोड़ना रिंकी, क्यों अपना दिमाग खराब कर रही है, चल ना हम ग्राउंड में बैठ के पढ़ने चलते हैं। हाँ चल ले, वरना मैथ्स में भी फेल हो जाएंगे। अबे यार नान इस बार हमारा बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, बस एक महीना बचा है, अब क्या करें हम? यार इनके पूरे साल नहीं पढ़े हम, एक महीना पढ़ के हम टॉप थोड़ी ना मार लेंगे, बस यही तो चिंता है। एक महीना, अगर कोई मुझे एक हफ्ता भी दे दे तो भी मैं टॉप करती। टॉप करती, चल मान इसका तो टॉप पर ना अभी निकालते हैं। चल अब कर लियो तो टॉप। आई बड़ी टॉप करने वाली। यार इसमें मेरी क्या गलती, कर मैं पढ़ने में इंटेलिजेंट हूँ, फालतू में मार के चली गई। क्या क्या तोड़ेगी हमारे घर के गेट, पैसों से आता है ये गेट। और वैसे भी मैं ना फिजिक्स का याद कर रही थी, इतने लंबे लंबे न्यूमेरिकल है, तीन तीन पेज के, मैम को भी समझ नहीं आती, बच्चों पे तर्स नहीं आता। तू फिजिक्स का याद कर रही थी, तेरे को पता नहीं है केमिस्ट्री का पेपर है? झूठ बोल रही है ना? मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं खुद केमिस्ट्री का याद करके बैठी हूँ। बेटा तू मेरे को पागल समझती है, मैं पागल हूँ नहीं। तेरे को मैं कैसे समझाऊं, आज केमिस्ट्री का पेपर है, ये देख 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 ये देख, ये देख देखिए टेस्ट शीट में। हाँ कोई तो फिजिक्स का याद करके तो नहीं आगे केमिस्ट्री के पेपर में। भगवान ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे, फिजिक्स का याद करके आगे केमिस्ट्री के पेपर में, अब तो मैं फेल हो जाऊंगी, अब क्या होगा मेरा। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूँ और वो भी तेरे साथ है। भगवान, अरे भगवान पागल भगवान, तू मेरी बात सुन, तेरे दिमाग में जो भी आए जो भी तू लिख आई हो, कॉपी भरने के नंबर मिलते हैं कॉपी भरने के, तो बस लिख आई हो, पास होने की गारंटी मेरी है। तू सच बोल रही है ना, जो मेरे माइंड में लिख दू ना हाँ पास हो जाऊंगी, और क्या पक्का? हाँ चल ठीक है फिर, तो जो मेरे माइंड में आएगा मैं लिख दूंगी। हाँ तू तो फेल होगी। यार इतना बड़ा पेपर आया है, इसमें से तो मुझे कुछ भी नहीं आता, एक शब्द भी नहीं आता, अब क्या करूं? हाँ शीला वाली टेक्निक ही अपनाती हूँ, उसने बोला था जो दिमाग में आए वो लिखती हो, और वैसे भी मुझे तो कॉपी भरनी है, जितनी कॉपी भरूंगी ना उतने नंबर मिलेंगे, फिर मुझे 100 में से 150 नंबर मिल जाएंगे। करती हूँ एक काम करती हूँ, क्वेश्चन पेपर ही उतार देती हूँ, आदत हो। लो जी लव लेटर भी हो गया, अभी भी आधा पेज बचा हुआ है, एक काम करती हूँ गाना लिखती हूँ।
ये लो जी मेरी कॉपी हो गई तैयार। अब सारा पेपर हो गया मेरा, अब मैं आपको बता देती हूँ। मैम हो गया मेरा एग्जाम। रिंकी तू फेल हो गई? हाँ हो गई फेल, हो गई फेल। जब केमिस्ट्री के पेपर में फिजिक्स याद करके जाऊंगी तो हो गई फेल। तूने तो बोला था कुछ भी लिखी पेपर भरी है यो पास हो जाएगी, 100 में से 150 नंबर मिलेंगे, यहाँ तो 0 नंबर मिले हैं। तो मैंने तेरे को बोला था जो लिख कर आना, तू लिख कर आई? हाँ लिख के आई। तूने बोला जो माइंड में आए ना, जो तेरे दिमाग में आए तू लिख आई हो, मैंने वही किया। लिख कर क्या आई है? जो मैंने बताया था वो? हाँ वही लिख के आई हूँ। तूने बोला था जो दिमाग में आए ना वही लिख दियो, मैंने वही लिख दिया। और तेरे दिमाग में आ क्या रहा था? मेरे दिमाग में तो प्रिंस के लिए लव लेटर आ रहा था, मैंने वो लिख दिया। और दूसरा पता है क्या आ रहा था? पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय, मैंने वो भी लिख दिया। और तो और 500 रुपए भी रख के आई और उसका नंबर भी लिख के आई। अगर मैम आपको और पैसों की जरूरत हो ना तो पेटीएम कर दूंगा, लेकिन मैम ने तो फिर से फेल कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों फेल कर दिया, पैसे भी दे दिए सब दे दिए।